मैडम आपका नाम? मेरा नाम सावित्री गौतम। सावित्री गौतम जी, आप यहाँ इतनी महिलाओं का नेतृत्व कर रही हैं, आपकी क्या मांग है, क्या मांगना चाहती हैं आप? आज जो हमारा कार्यक्रम है यहाँ पे, ये पूरा राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है, ये पूरे देश में किया जा रहा है और इसका जो मेन उद्देश्य है हमारा यही है कि जितने भी हमारे स्कीम वर्कर्स हैं, जो मानदेय कर्मचारी हैं, जो हमारा सरकार केंद्र से जो बजट आता है, हर सरकार हर बार बजट में सरकार उसमें कटौती कर रही है। वित्तीय कटौती होने के कारण हमारी जो स्कीमों का जो क्रियान्वयन होता है वो क्रियान्वयन तरीका से नहीं हो पा रहा है और हमारे मानदेय की जो धनराशि बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ पा रही है। तो आपको कैसे पता लगा कि आपकी कटौती हो रही है, क्या आपने वो गजट को देखा है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी ये जो रसोईया बहनें आई हुई हैं, हमारी आशा बहनें आई हुई हैं, हम आंगनवाड़ी वर्कर्स आए हुए हैं, हमारी सहायिका बहनें आई हुई हैं, पहले हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती थी, हमें जो स्टेशनरी वगैरह मिलती थी और हमारे स्कूलों के लिए साज सज्जा के लिए प्री किट वगैरह मिलती थी और हमारे जो हमारे अभिलेख हैं उनको रखरखाव के लिए सेप बक्से वगैरह बहुत सारी जो हमारी सुविधाएँ थी हमारे केंद्र पर मिलने वाली, वो सुविधाएँ अब नहीं मिल पा रही हैं। उसका मेन कारण यही है कि हर साल बजट में कटौती होने की वजह से मूलभूत जो सुविधाएं केंद्रों के लिए, आंगनवाड़ियों के लिए और बच्चों के लिए मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। आपके राज्य सरकार से क्या मांग है, क्या मांगना चाहती हो आप? हमारी तो फिलहाल तो केंद्र सरकार से यही मांग है, राज्य सरकार से तो बाद में है, पहले केंद्र सरकार। आज जो कार्यक्रम जो किया जा रहा है वो सारे ही जो श्रमिक संगठन है सभी मिल के कर रहे हैं और हमारी पहली मांग यही चल रही है आज केंद्र से कि जो भी सरकार बजट पेश करने वाली है 1 जनवरी को, उस बजट में किसी भी तरीका की कटौती ना की जाए और बल्कि उस बजट को दुगना कर दिया जाए, जिससे कि जो स्कीमें चल रही हैं वो क्रियान्वयन रूप से चलती रहें और हमारे जो मूलभूत सुविधाएं जो हमको नहीं मिल पा रही हैं वो मिलती रहें और हमारे मानदेय में बढ़ोतरी हो जाए, इसलिए आज हमारा ये कार्यक्रम है। और अभी जो राज्य सरकार की आपने बात की, मैं राज्य सरकार की आपको बात बताती हूँ कि 2017 के जब चुनाव आए थे तो जब बीजेपी सरकार के जो थे प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य, वो उनके द्वारा पार्टी के द्वारा अपने घोषणा पत्र में ये कहा गया था कि जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम आपका मानदेय बढ़ाएंगे और आपकी अन्य मांगों को पूरा करेंगे। आज सरकार को सत्ता में आने को 1 वर्ष हो जा रही है लेकिन सरकार अपने वादे को नहीं निभा रही है। उनके वादे को निभाने के लिए हमने बार बार धरना प्रदर्शन किया है, बार बार आश्वासन दे के हमको हटा दिया जाता है। पिछले माह 22 अक्टूबर से हमने 2 महीने का आंदोलन किया था, वो 2 महीने के आंदोलन करने के बाद भी सरकार बिल्कुल नहीं चेती है, हमारे प्रति कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया है और उल्टा जो आंदोलन महिलाएं थी हमारी आंगनवाड़ी बहनें उन पर लाठीचार्ज कराया गया और लाठीचार्ज कराने के बाद धरने को समाप्त करने की कोशिश की गई लेकिन हम बहनें अड़ी रहीं। हमने 2 महीने आंदोलन किया और उस आंदोलन का और हद तो आज जब हो गई, जब इस राज्य सरकार ने, इस बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने आज जो हमने 2 महीने आंदोलन किया था उसके मानदेय में हमारे में कटौती कर दी, हमारा 2 महीने का मानदेय भी रोक लिया है, ये उनकी एक हिटलरगिरी चल रही है और ये हिटलरगिरी मानदेय रोकना, जो धरना आंदोलन करते हैं उनका मानदेय रोकना एक असंवैधानिक कार्य है, जो ये सरकार असंवैधानिक कार्य कर रही है और हम बिल्कुल सारे संगठन एक हो चुके हैं, सारे संगठन एक होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और सरकार के इन मंसूबों को किसी भी हालत में पूरा नहीं होने देंगे।